पिछले वीडियो में हमने 10th क्लास की 7.1 एक्सरसाइज के 24 क्वेश्चन तक पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे बेटा 25 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बेटा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस। यहाँ बेटा दो RHS दिए हुए हमें, ऐसा देखो RHS इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस एलसीएम लेंगे तो उनका बेटा क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी कि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या एलसीएम आ जाएगा इसका? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, ये होगा साइन माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। किसे खोलेंगे बेटा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा से क्या हो गए? कैंसिल। ये 1 और ये 1 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, दो आ रहे हैं जैसे पहला है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का 2 हो गया 1 और 1 प्लस 2, डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसका क्या है 2 साइन स्क्वायर माइनस थीटा। तो यार एक में तो हम साइन को कोस के स्क्वायर में चेंज कर देंगे, दूसरे में कोस को साइन के स्क्वायर में चेंज कर देंगे। देखो क्या होता है, इसी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो इस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट की 1 और 1 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसमें ऐड करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कितने होते हैं बेटा ये 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। ये तो पहला RHS है। दूसरा बोल है बेटा इसको देखो, अब कोस साइन में तो ज्यादा कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो
साइन स्क्वायर, ब्रैकेट लगाए हुए टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वन माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए टू साइन स्क्वायर थीटा टू अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है बेटा, लिख लो। कोस ए अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस कोट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए। एलएचएस कोस ए अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस कोस, कोस है साइन ए कोस के स्टेप में चेंज करेंगे तो कोस ए का क्या हो गया इसी तरह बेटा कोस ए वन माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए वन माइनस कोट ए को क्या लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए कोस ए अपॉन क्या एच एम आ गया बेटा कोसे कोसे को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा कोसे माइनस साइन प्लस साइन ए अपॉन एच एम क्या आएगा बेटा इसका साइन ए, साइन ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कोसे। क्लियर बेटा, अब देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को किस में करेंगे डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सीधा कम कोस ए कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, ऐसे भी सीधा लिख सकते हैं या एक स्टेप और लिख लेंगे कोस ए माइनस साइन ए कोस इनटू कोस ए कोस ए कहाँ चला गया ऊपर चला गया ये भी नहीं रह गया लेकिन कहाँ गया ऊपर आ गया न्यूमरेटर में आ गया साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए इनटू साइन कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस बेटा इससे पहले के क्वेश्चन में हमने किया था दोनों पर देखो अलग अलग है अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एक हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए माइनस कॉमन लेंगे साइन ए माइनस का हो जाएगा कोस ए किसका हो जाएगा प्लस का तो लाइक स्टेप बेटा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए माइनस का था माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया किसका हो गया प्लस का और साइन ए प्लस का था किसका हो गया माइनस का एच एम क्या आ गया बेटा इसका कोस ए माइनस साइन दोनों का सेम है यहाँ से क्या आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर अब देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं तो या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं बेटा कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन अपॉन कोस ए माइनस साइन ए कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया क्या आ गया अपने पास कोस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है बेटा लिख लो।
27 cos a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। देखो पहले दस कोस ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए, या तो पहले मल्टीप्लाई कर ले या इसको साइन और कोस के स्टेप में चेंज कर ले फिर मल्टीप्लाई कर ले, जैसे ही करना चाहो। कोस ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए को वन अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। क्या सेम आ गया बेटा यहाँ पे, साइन ए वन माइनस साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ क्या है सेम आ गया बेटा, कोस ए वन माइनस कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, और वन माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। देखो ये दोनों आपस में किसमें मल्टीप्लाई है, तो इस कोस ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइन ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आ गया बेटा कोस ए साइन। एल एच एस को सर्व कर, अब हम किसको सर्व कर ले बेटा, आर एच एस को सर्व कर, वन अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। वन अपॉन टेन ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए को क्या लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। वन अपॉन क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा इसका, साइन ए कोस ए, कोस ए से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा साइन ए, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया बेटा कोस स्क्वायर। वही फ्रैक्शन है बेटा डिनोमिनेटर में, तो साइन ए कोस ए उतरला जाएगा बचला जाएगा डिनोमिनेटर में, वन अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइन ए कोस ए। क्या आ जाएगा बेटा, वन इंटू साइन ए कोस ए अपॉन वन, यानी कि क्या आ गया बेटा साइन ए कोस ए। सो एल एच एस इज इक्वल टू क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू।